हमने कल जावा स्क्रिप्ट में लूप देखा था। तो जावा स्क्रिप्ट में नेस्टेड लूप भी होता है, जैसे नेस्टेड इफ एल्स होता है, ठीक उसी तरह से नेस्टेड लूप भी होता है। लूप के अंदर इफ एल्स भी कुछ भी लिख सकते हैं। भी स्क्रीन आई नहीं है। ओ सॉरी, मैंने सेंड नहीं करा, 1 सेकेंड का टाइम दीजिए। तो स्क्रीन, माई स्क्रीन इज विजिबल। रहा है धीरे धीरे। तो लूप में, फॉर लूप तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था, आप चाहें तो इसे कट करके पेस्ट कर दें ऊपर, और इसको कट करके पेस्ट कर दें नीचे, और फिर मैं करूंगा कॉपी फाइल पाथ, और फिर ब्राउजर पे इसको एग्जीक्यूट करूंगा। कंट्रोल शिफ्ट आई दबाया, इंस्पेक्ट एलिमेंट हो गया, और एलिमेंट जब मैंने देखना शुरू किया तो प्रॉपर तरीके से हमारा शो हो रहा है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलता है जहां पे वेरिएबल बनाया जाएगा इनिशियलाइजेशन या इनिशियलाइजेशन वगैरह, और जहां पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया जाएगा, वो चीजें ऑप्शनल हो सकता है, परंतु कंडीशन ऑप्शनल नहीं हो सकता। ये देख लीजिए, कर दिया हमने ऑप्शनल, तो क्या हो गया, आपके सामने रिजल्ट है। तो इसलिए एक कंडीशन ऑप्शनल नहीं हो सकता। तो मुझे उम्मीद है कि क्लियर समझ में आया होगा। बाकी अगर लैंग्वेज है, कोई दूसरा लैंग्वेज है, मान लीजिए सी है या प्लस प्लस है, माने सी प्लस प्लस, तो कंडीशन को देना जरूरी हो जाता है। मेरा ब्राउजर तो भाई साहब चला गया, क्या दबाया मैं, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, ओपन हुआ मेरा टास्क मैनेजर, और क्रोम ब्राउजर को मैं फोर्सफुली इन टास्क कर दिया, क्योंकि हमारा क्रोम जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तो हम लोग समझ गए इतना चीजें। इसके बाद अगला चीज हम देखते हैं, और वो है फंक्शंस। तो मैं राइट क्लिक करके नया फाइल बनाऊंगा, 11th चैप्टर जावा स्क्रिप्ट, क्या मैं लिख दिया, .html, HTML लिख के टैब दबाया, ईमेट मेरा काम कर रहा है, और मैंने चैप्टर 11 लिख दिया। ये ईमेट के बारे में जानकारी है क्या आप लोगों को? चलिए, है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नहीं और अच्छी बात है, हम एक रिकॉर्डिंग इस पे कर देंगे कभी, देखते हैं, प्रोजेक्ट से खाली होता हूं मैं 1-2 दिन में, तो इस पे भी एक रिकॉर्डिंग करते हैं। चलिए, तो फंक्शंस मतलब क्या, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, FUNCTION, फंक्शन मतलब क्या। तो फंक्शन का डेफिनेशन लोग अपने अपने अकॉर्डिंग देते हैं। फंक्शंस को हम कह सकते हैं कि एक ब्लॉक जिसका कुछ नाम होता है, ऐसा ब्लॉक जिसका कुछ नाम है और उस ब्लॉक के अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखा जाता है, और वो स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होता है, तभी रन होता है, जब उस फंक्शन को उसके नाम से कॉल किया जाता है, यही फंक्शन कहलाएगा। ब्लॉक मतलब क्या, ये मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज किया, एक ब्लॉक बन गया। अब इसका नाम मैं कैसे लिखूंगा, माई FUNCTION फंक्शन हो गया। और फंक्शन हम जब भी बनाते हैं तो फंक्शन कीवर्ड के जरिए, तो पहले हम फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे, और उसके बाद पैरेंथेसिस दे देंगे, करेक्ट। तो पहले फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे और फिर
फंक्शन का नाम लिखेंगे। फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, जो आपने वेरिएबल के केस में नियम कानून पढ़ा था उसी तरह का कानून इधर भी है। और फिर दे देंगे पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस हम ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। ये हमारा फंक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसमें हम कोई सा भी कोड लिख सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा। ये तो पुराना ही है, 10 वाला है, मैं 11 कर लेता हूं। कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि इस फंक्शन को हमने कॉल नहीं करा है। तो मैं यहीं पे फंक्शन को कॉल कर लेता हूं। ऐसे तो प्रिंट हो गया। तो फंक्शन चल, फंक्शन के अंदर लिखा गया स्टेटमेंट, लिखा गया कोड तभी चलता है जब फंक्शन कॉल किया जाता है, अन्यथा नहीं चलेगा। अब बात आता है कि फंक्शन का जरूरत क्यों, हमें क्या जरूरत ऐसा था? कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट ही करना था तो हम फंक्शन के बाहर प्रिंट कर लेते, क्या समस्या? ऐसे प्रिंट कर लिए होते, फंक्शन लिखने का क्या जरूरत था? कोई जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर सिंपल से सीधे साधे लाइनों में, सिंपल बातों में कहूंगा कि हम ऐसा कोड जिसका इस्तेमाल हमें बार बार करना है, ऐसा कोई कोड जिसका इस्तेमाल हमें बार बार करना है, तो ऐसे कोड को हम फंक्शन के अंदर लिखते हैं, ताकि जब जब हम उस फंक्शन को कॉल करें तब तब हमारा वो कोड एग्जीक्यूट कर जाए और हमें कोड बार बार ना लिखना पड़े। मान लीजिए नाम के साथ मुझे एड्रेस भी लिखना पड़ रहा है, INDIA, एड्रेस भी लिखना पड़ रहा है, तो क्या करूंगा मैं? इसको दोबारा लिखूंगा क्या? नीचे दोबारा मैंने लिख दिया INDIA, चलिए चल जाएगा। लेकिन अब एक बार मैंने लिख दिया, इसी को तीन बार लिखना होगा तो क्या करूंगा मैं? तीन बार कॉपी पेस्ट कर दूंगा क्या? ऐसे मजा नहीं आएगा ऐसे। तो इसलिए क्या करेंगे, सिंपल फंक्शन को हम कर देंगे तीन बार कॉल, या फिर लूप वगैरह भी चला देते हैं ऐसे केस में। ये देखिए, तो फंक्शन में हमने इतना ज्यादा जो है इतना लाइन ऑफ कोड लिखा और इस फंक्शन को हम कहीं पे कॉल कर लिए, कॉल करेंगे तो एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो एक आंसर तो ये है कि फंक्शन का जरूरत हमें इसलिए पड़ता है ताकि हम कोड को रियूजिबिलिटी कर सकें, एक कोड को हम बार बार इस्तेमाल कर सकें, इसलिए फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा क्या हम क्यों करें फंक्शन का इस्तेमाल? दूसरा, हम इसलिए भी फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा लॉजिक है, भारी भरकम आपने कोड लिख रखा है, जो कोड एक बार अगर चलेगा तो मेमोरी कंजप्शन जो है, मेमोरी कंजप्शन भी ज्यादा करेगा, तो हम उसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके फंक्शंस बना देंगे और फिर उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स कोड को हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके फंक्शन के रूप में बना देंगे और फिर उसका इस्तेमाल करेंगे। तो जो कॉम्प्लेक्स कोड हमें जो दिखाई दे रहा था, अब वो हमें आसान, कुछ इजीली हमें समझ में आएगा, वो कोड थोड़ा आसान हो जाएगा। दूसरा बात ये है, जो मेमोरी का मैंने बात करा, कि आपने कोई स्टेटमेंट लिखा, राइट, स्टेटमेंट आपने लिखा मेथड के अंदर और मेथड कॉल करा, तो मेथड जब कॉल होता है तो मेथड की जितनी जरूरत होता है, जितना जरूरत है मेथड का, उतना डेटा जो है मेमोरी में एलोकेट किया जाता है, और जैसे ही मेथड कॉल हो जाता है, अपना काम कर चुका होता है मेथड, तो मेमोरी से रिलीज हो जाता है और मेमोरी में जो एलोकेट किया जाता है फंक्शंस वगैरह के जरूरत के लिए, जो डेटा एलोकेट किया गया रहता है उसको भी रिलीज कर दिया जाता है। तो फंक्शन जो है इस तरह से मेमोरी को भी
मेमोरी कंजप्शन को भी रिड्यूस करता है, कम करता है, क्योंकि फंक्शन कॉल हुआ, रैम में आया, मेमोरी एलोकेट हुआ, फंक्शन जैसे ही अपना काम पूरा कर लिया तो मेमोरी से रिलीज हो गया। मतलब जैसे ही फंक्शन अपना काम कंप्लीट करा, मेमोरी से रिलीज हो गया उसका एलोकेशन किया हुआ डेटा, करेक्ट। तो इसीलिए बड़े फंक्शन में हमने 100 लाइन का कोड लिखा, वो भारी भरकम हो गया, देखने में भी कॉम्प्लेक्स लगेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 100 लाइन के कोड को 25-25 लाइन में तोड़ देंगे, चार फंक्शन बना लेंगे, और चार फंक्शन जब बनाएंगे तो थोड़ा थोड़ा मेमोरी कंजप्शन करेगा, और हम क्या करेंगे, बारी बारी से 25-25 लाइन का कोड स्प्लिट करेंगे, और वो मेमोरी थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करेगा, और जिससे कि हमारा कम मेमोरी में हम ज्यादा काम कर लेंगे, करेक्ट। तो इसलिए हम फंक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगला देखते हैं, फंक्शन का कितने प्रकार हैं, राइट। तो बेसिकली फंक्शन दो तरह के होते हैं, टू टाइप ऑफ फंक्शन। पहला टाइप क्या है, प्री डिफाइन फंक्शन। दूसरा क्या है, यूजर डिफाइन फंक्शन। डिफाइन मैंने गलत लिखा है क्या, चलिए कोई बात नहीं, यूजर डिफाइन फंक्शन। फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक प्री डिफाइन एक यूजर डिफाइन। प्री डिफाइन से क्या मतलब है, प्री डिफाइन से मतलब ये है कि आप जिस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं वो लैंग्वेज ने आपको पहले से बना करके दे दिया, राइट। जैसे यहां पे हमने लॉग लिखा है, लॉग लिखा है और इसमें पैरेंथेसिस लगा हुआ है, तो ये भी तो एक फंक्शन ही है, लेकिन हमने तो नहीं बनाया, मतलब ये प्री डिफाइन है, पहले से बना बनाया है। तो ऐसा फंक्शन जो हम नहीं बनाते बल्कि लैंग्वेज पहले से बना बनाया फंक्शन देता है, रेडीमेड देता है हमें, हम सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन कहलाता है। दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन, ऐसा कोई फंक्शन जिसका अपने जरूरत के अनुसार यूजर बनाता है, ऐसा कोई फंक्शन जिसको यूजर अपने जरूरत के अकॉर्डिंग खुद बनाता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाता है। जैसे मैंने ये फंक्शन बनाया माई फंक्शन के नाम से, तो ये कहलाएगा यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि मैंने इसे बनाया। आगे देखते हैं, ये तो दो तरह के फंक्शन हो गए। फंक्शन के कुछ नेचर भी होते हैं, क्या क्या नेचर है, एक नेचर ये है टेक नथिंग। टेक टेक का स्पेलिंग सही है क्या, पता नहीं, टेक नथिंग, रिटर्न नथिंग, मतलब क्या है, मतलब यह है कि ऐसा फंक्शन जो आपसे कुछ लेगा नहीं, राइट, आपसे कुछ लेगा नहीं और आपको कुछ देगा भी नहीं, करेक्ट, आपसे कुछ ना लेगा ना कुछ देगा। जैसे मैंने ये फंक्शन बनाया है यहां पे, तो मेरा फंक्शन ना ही कुछ डेटा मुझसे मांग रहा है ना ही मुझे कुछ रिटर्न कर रहा है, तो ये किस नेचर का है, टेक नथिंग रिटर्न नथिंग, कुछ ना ले रहा है ना ही कुछ दे रहा है। फंक्शन का दूसरा भी रूप होता है, दूसरा रूप क्या होता है, दूसरा रूप ये है, फंक्शन कीवर्ड में पहले लिखूंगा फिर फंक्शन का नाम लिखूंगा, FUN1, यहां पे ब्रैकेट। अब मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ पैरामीटर दूंगा, पैरामीटर में क्या दे देता हूं, नेम, और यहां पे कंसोल डॉट लॉग करूंगा, नेम हो गया यहां पे। तो ये किस नेचर का है,
ये पैरामीटर ले रहा है पर हमें कुछ दे नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? टेक समथिंग रिटर्न नथिंग। टेक, टी अच्छा ऐसा ही होगा, सी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, अच्छा के ही से नहीं बस, आता, चलिए ऐसे। के ही लास्ट में ही। ओ सही कह रहे हैं आप, टेक समथिंग रिटर्न नथिंग। तो हमारा फंक्शन कुछ ले रहा है पर कुछ दे नहीं रहा है, तो ये दूसरे टाइप का नेचर हो गया इसका। मैं यहाँ पे टू लिख देता हूं। इसको कॉल हम कैसे करेंगे? इसको कॉल करना भी बहुत आसान है। यहाँ पे फन वन लिखेंगे हम, और यहाँ पे कुछ मैं नाम पास कर दूंगा, राइट? तो मैं नाम पास कर दिया जावा स्क्रिप्ट। मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ, प्रोग्राम को मैं रन कर देता हूँ, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया जावा स्क्रिप्ट। ये फंक्शन जो है नेम आपसे पूछता है, तो यहाँ पे पैरामीटर में आपने नेम पास करा, और वो नेम यहाँ से रिसीव करके कंसोल डॉट लॉग में हमने डाला, और कंसोल डॉट लॉग क्या करा, प्रिंट कर दिया। तो ये फंक्शन है टेक समथिंग रिटर्न नथिंग। हम अब दूसरा नेचर देखते हैं फंक्शन का, दूसरा कह रहा हूं, तीसरा देखते हैं। तीसरा नेचर ये है टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। फंक्शन कुछ लेगा और कुछ देगा भी, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। तो इस नेचर का फंक्शन कैसे बनेगा? मैं फिर से इसको कमेंट कर देता हूं और अगला फंक्शन बनाता हूं, फंक्शन FUN2। यहां पे क्या होगा? नेम, नेम हमसे ले रहा है ये, लेकिन नेम को क्या कर रहा है? रिटर्न कर दे रहा है। ये देखिए नेम जो है रिटर्न कर दिया। इसको कॉल कैसे किया जाएगा? मैं क्या करता हूं, यहां पे कॉल करूंगा, नेम में क्या लिख देता हूं? जावा। मैंने नेम में जावा लिख दिया। अब इसे चला दूंगा तो क्या कुछ होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं चला देता हूं, देखिए कुछ नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ? क्योंकि जैसे ही हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो ये जावा जो लिखा हुआ है नेम में रिसीव हो गया। फिर यहां पे क्या हुआ? रिटर्न कीवर्ड लगाया मैंने और नेम में रिटर्न कर, नेम को रिटर्न कर दिया, करेक्ट? तो जैसे ही मैंने रिटर्न किया तो ये फंक्शन दोबारा वहीं पे आ गया जहां पे हमने फंक्शन कॉल करा था। ये रिटर्न कर रहा है नेम, जब वो रिटर्न कर रहा है मतलब फंक्शन हमें कुछ दे रहा है, तो हमें रखना तो पड़ेगा ना जब कुछ दे रहा है। तो मैं वेरिएबल बनाऊंगा इन नेम से और मैंने रख लिया, तो फंक्शन को कॉल करूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा? इस तरह से यहां पे आ जाएगा, और इस तरह से आएगा तो फिर एन को अब हम प्रिंट अगर कर देंगे तो क्या प्रिंट होगा? लॉग चाहिए भाई। यहां पे अगर एन लिख के प्रिंट करेंगे तो क्या होगा? जावा प्रिंट हो जाएगा। तो मैं फिर से फंड टू को कॉल कर देता हूं और यहां पे लिख देता हूं जावा। फंक्शन कॉल होगा, नेम यहां पे रिसीव होगा, फिर नेम को रिटर्न कर देगा। तो जब ये फंक्शन नेम रिटर्न करेगा उस नेम को एन नाम के वेरिएबल में रखेंगे और उस वेरिएबल को हम यहां पे प्रिंट कर लेंगे, तो अब जावा प्रिंट हो जाएगा हमारा। तो ये तीसरे टाइप का है। एक और देख लेते हैं, एक नेचर और बच जाता है, वो नेचर क्या कहता है? फोर, ये क्या कहता है कि मैं कुछ लूंगा नहीं, मैं कुछ लूंगा नहीं लेकिन कुछ दूंगा जरूर, ठीक है? इसको हम कैसे बनाते हैं? इस मेथड को भी बनाना बहुत आसान है।
मैं पुराने वाले को कमेंट कर दे रहा हूं। फिर से मैं एक मेथड बना लू, फंक्शन fun3, और यहां पे आर्ग्यूमेंट में मैं कुछ नहीं ले रहा हूं, लेकिन रिटर्न यहां पे कर दूंगा। और रिटर्न में क्या कर दूंगा मैं, sumentry नेम मैंने रिटर्न कर दिया। अब इस मेथड को कॉल करूंगा तो कैसे कॉल करूंगा, सिंपल सी बात है, यहां पे fun3 लिख दूंगा। यहां पे पैरामीटर में कुछ नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि यहां पे हमने कुछ नहीं लिया है तो नहीं दूंगा। लेकिन ये रिटर्न कर रहा है नेम, तो रिटर्न कर रहा है तो इसको तो कहीं रखना ही पड़ेगा, तो हम वेरिएबल बना लेते हैं नेम नाम से और रख लिए यहां पे। अब इसको हम प्रिंट कर देंगे, और जैसे ही हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या हो गया, हमारा नेम प्रिंट हो जाएगा। मैं रन कर देता हूं प्रोग्राम तो हमारा प्रिंट हो गया। तो ये हमारे कुछ चार तरह के नेचर के मेथड होते हैं। पहला है टेक नथिंग रिटर्न नथिंग, वही बात है ये, ना केहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ठीक है। अगला है टेक समथिंग रिटर्न नथिंग, ये ना उन लोगों पे लागू हो जाता है ये उदाहरण, जो कि उधार ले तो लेते हैं पर वो देना भूल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों को इस नेचर से आप याद कर लीजिए, ठीक है। अगला है जो है टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, ठीक है। अब इस कैटेगरी में कौन आ जाएगा, इस कैटेगरी में कोई भी बिजनेसमैन आ जाएगा। क्या करता है बिजनेसमैन, आपसे पैसे लेता है, बदले में क्या दे देता है, प्रोडक्ट आपको दे 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 देता है, करेक्ट। फिर अगला है नेचर टेक नथिंग रिटर्न समथिंग, ठीक है। इसमें आपके कुछ परिवार वाले आ जाते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो कि आपसे उम्मीद तो नहीं करते लेकिन आपको देना बहुत कुछ चाहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे नेचर हैं, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत आया हो तो आप बताइए, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको फिर से एक्सप्लेन करें, और समझ में आ गया हो तब तो बहुत अच्छी बात है। आ गया। इस एग्जाम्पल को बताने के बाद मुझे ये उम्मीद है कि जो बहुत ही नए कैंडिडेट होंगे या फिर जो YouTube वगैरह पे भी देख रहे होंगे, उनको ये एग्जाम्पल वगैरह बिल्कुल बकवास लगा होगा, ये क्या माजरा है, ये बिना काम का चीज है, ऐसा ही लगा होगा। तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट हम और अच्छे से समझें और बेहतर तरीके से समझें, इसलिए हम कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे आगे चल करके, और जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तब इसका जो है बहुत ही बेहतर तरीके से यूज समझ में आएगा, क्योंकि हम उसी ज्ञान का वैल्यू करते हैं जिस ज्ञान का इस्तेमाल हमारे जीवन में ज्यादा होता है, जिसका इस्तेमाल नहीं होता हम उसको भूल जाते हैं। ठीक उसी तरह से इस फंक्शन का इस्तेमाल हम अपने प्रोजेक्ट में करेंगे, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होगा, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ फंक्शन का सच में इस्तेमाल होता है, करेक्ट। तो क्या कहते हैं आप लोग, क्लास एंड किया जाए।